न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो परिवार के 3 लोगों पर भरोसा जताया। पहली लिस्ट में शिवपाल यादव को नहीं मिली जगह। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया। तो संभल से जो इस वक्त मौजूदा सांसद है शफीकुर्रहमान बर्क, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। संभल से शफीकुर्रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। एटा से देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया। खीरी से उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो धौरहरा से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया। उन्नाव से पूर्व सांसद अनु टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अकबरपुर से पूर्व सांसद राजा रामपाल को भी प्रत्याशी बनाया गया है। बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को उम्मीदवार और गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया गया है। हमारे सहयोगी शुभम पांडे और आलोक पांडे इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि परिवार के 3 सदस्यों पर भरोसा समाजवादी पार्टी के द्वारा जताया गया, लेकिन 2 नाम पर खुलासा अभी बाकी है, और वो है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। आने वाले समय में उन पर भी खुलासा हो सकता है, लेकिन कयासों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये 16 नाम आए हैं 16 प्रत्याशियों के, उसमें बिल्कुल परिवार का एलिमेंट जो हमेशा कहा भी जाता है, तो परिवार के नाम भी हैं, जहां अक्षय हैं, धर्मेंद्र हैं, वहीं डिंपल भी चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि 16 नामों के साथ साथ ऐसे नाम भी हैं जहां के सीटों को लेकर के एक्चुअल में अगर 16 सीटों का हम आकलन करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी एक थोड़ा जवाब है कि जहां 11 सीटें उनको देने के बाद उनको दूसरी किसी तरीके के बार्गेन में ना लाएं, इसलिए भी ये नाम पहले से ही और इन सीटों पर ये नाम पहले से ला करके खड़ा कर दिया गया है। इससे समाजवादी पार्टी ने इन 16 जगहों पर अपनी दावेदारी तय कर दी है। इन सीटों को लेकर के, इन प्रत्याशियों को लेकर के 2 तरीके का एनालिसिस हो सकता है। एक तो परिवार के वो लोग जिनकी बात अक्सर अगर हम कहें तो दूसरी पार्टियां करती है, खासतौर पर सत्ताधारी बीजेपी हमेशा यही करती है कि परिवार को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा परिवारवादी रही है, परिवार को बढ़ाती रही है। इस पहले सूची में अगर 3 नाम हमें दिख रहे हैं तो वो साफ इस बात को दिखा भी रहे हैं। दूसरी बात ये करें कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चल रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें घोषित की, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं इस बात को ये कहकर के नाराजगी व्यक्त की कि अभी तो ऊपर शीर्ष लेवल पे बातचीत चल रही है, ऐसे में 11 सीटें पर भी नाराजगी और उसके बाद कांग्रेस का आगे की सीटों को लेकर बार्गेन की कम से कम 25 से 30 ऐसी सीटें और उन सीटों के बीच में 16 सीटों को घोषित कर देना समाजवादी पार्टी अपने नाम और अपने प्रत्याशियों को, वो अपने आप में कांग्रेस पर एक दबाव की राजनीति भी समाजवादी पार्टी चल रही है। रही बात तीसरी की अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे और शिवपाल यादव कहां से लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे जो बड़े नाम होते हैं या कहा जाए कि जो मेजर अगर चेंज होता है, मेजर मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, तो ये सब नाम जो है बाद में ही खुलासा होता है, क्योंकि वो किस सीट पे लड़ेंगे, 1 सीट पे लड़ते हैं या 2 सीटों पे लड़ते हैं, ये इस तरह के कुछ होते हैं जो लास्ट में ही दिखाई पड़ते हैं या उनके नामों की घोषणा होती है उनके किन जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये अभी इंतजार तो करना ही पड़ेगा अखिलेश यादव का कि वो लोकसभा में कहां लड़ते हैं या सिर्फ लड़वाने का काम करेंगे, वो रैलियों का काम देखेंगे। शिवपाल का भी यही देखना होगा कि क्या उनके बेटे को जगह मिली है तो क्या वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे या फिर संगठन के काम को देखेंगे और किस तरह से संगठन चुनाव में लड़े, मेहनत करे, इन सब चीजों को। लेकिन अभी इन दोनों को नामों को लेकर के कयास तो चलेगा ही, और कयास तब तक चलेगा जब तक बाकी पार्टियों की तरफ से लिस्ट आनी शुरू ना हो जाए या फिर चुनावी औपचारिकताएं शुरू ना हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार सीटों को लेकर के काम कर रही है, वो एक तीर से 2 निशाने लगा रही है अपने उन गठबंधन के साथियों को लेकर के भी, राष्ट्रीय लोकदल को साथ देकर के उन्हें वहीं पे
चुप रहने को कहा है तो दूसरा 11 सीटें देकर के कांग्रेस को भी उन्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि हमारी तरफ से 11 सीटें दे दी गई। अब गठबंधन पे कोई दरार पड़ती है, गठबंधन को लेकर के कोई खींचतान होती है तो वो